Long ago, in the land of China, there lived an emperor. He had a majestic palace. बहुत पहले चीन देश में एक राजा था. उसके पास एक बहुत बड़ा महल था. Behind the palace, there was a huge forest and a nightingale lived in it. महल के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें एक बुलबुल रहती थी. The nightingale sang so melodiously that it was known far and wide. People even wrote books about it. वह बुलबुल इतना मधुर गाती थी कि हर जगह लोग उसे जानते थे. लोगों ने उस पर किताबें भी लिखी थी. One day, the emperor read one of the books and wished to see the bird singing. एक दिन राजा ने उसके बारे में एक किताब पढ़ी और उसे चिड़िया को गाते हुए देखने की इच्छा हुई. What is this nightingale? Why I know nothing about it? यह बुलबुल क्या है? मैं क्यों उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं? The emperor ordered his men to bring the nightingale to the palace. राजा ने अपने लोगों को उस बुलबुल को महल में लाने का आदेश दिया. Only a kitchen maid had seen the nightingale. So she took them to the bird. सिर्फ एक रसोई की दाई ने उस बुलबुल को देखा था, अतः उसने उन लोगों को चिड़िया के पास ले गई. There it is. वहां है ये. The kitchen maid asked the nightingale to come to the palace with them. रसोई की दाई ने बुलबुल को उन लोगों के साथ महल आने को कहा. Why have you come here, little girl? यहाँ क्यों आई हो छोटी लड़की? Our emperor wishes you to sing before him. हमारे राजा चाहते हैं कि उनके सामने तुम गाना गाओ. The nightingale agreed to go to the palace with them. बुलबुल उनके साथ महल जाने के लिए तैयार हो गई. The nightingale sang so melodiously that tears came into the emperor's eyes. बुलबुल ने इतना मधुर गाया कि राजा के आंखों में आंसू आ गए. Now I can hear you sing every day. अब मैं तुम्हें रोज सुन सकता हूँ. He ordered his men to put the nightingale in a fancy cage. उसने अपने लोगों को बुलबुल को एक आकर्षक पिंजरे में रखने का आदेश दिया. Some days later, a messenger brought a present from the king of Japan. कुछ दिनों के बाद जापान के राजा द्वारा भेजा हुआ उपहार लेकर एक संदेशवाहक आया. A gift for you, Majesty. महाराज आपके लिए एक उपहार है. It was a beautiful toy nightingale made of gold and covered with jewels. यह एक खिलौने वाली सोने से बनी और रत्नों से जड़ी बुलबुल थी. The emperor wound up the toy bird and it sang the same song again and again. राजा ने उस खिलौने वाली चिड़िया को चाबी लगाई और वह बार बार एक ही गीत गाने लगी. आह, सच ए वंडरफुल प्रेजेंट. आह, इतना अच्छा उपहार. एवरी नाइट द एम्परर लिसेंड टू द टॉय बर्ड्स सॉन्ग. द रियल नाइटिंगल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट.
प्रत्येक रात राजा उस खिलौने वाली चिड़िया का गाना सुनता था। असली बुलबुल नाखुश हो गई और उड़कर जंगल में वापस चली गई। वन डे द टॉय बर्ड ब्रोक एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट। एक दिन खिलौने वाली चिड़िया टूट गई और पूरे राज्य में उसे कोई नहीं बना सका। I will never hear the bird sing again. मैं अब कभी फिर से चिड़िया को गाते हुए नहीं सुन सकूंगा। The emperor became sad. His only wish was to hear the melodious music of the nightingale again. राजा उदास हो गया। उसकी सिर्फ यही इच्छा थी कि बुलबुल के मधुर संगीत को पुनः सुन सके। Years passed and the emperor grew very sick. When the real nightingale heard the news, it flew to his window to sing. वर्षों गुजर गए और राजा बहुत बीमार हो गया। जब असली बुलबुल ने यह समाचार सुना तो वह राजा के खिड़की पर गाने के लिए आ गई। एवरी डे द बर्ड सैट ऑन द विंडो एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर द एम्परर। ही रिकवर्ड वेरी सून। प्रत्येक दिन वह चिड़िया राजा के खिड़की पर बैठती थी और राजा के लिए मीठी गीत गाती थी। राजा बहुत जल्दी अच्छा हो गया। द एम्परर प्लीडेड द नाइटिंगल टू कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन द केज। राजा ने उस बुलबुल से आग्रह किया कि वह महल में वापस आ जाए और पिंजरे में रहे। आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम। मैं अपनी स्वतंत्रता पसंद करती हूँ लेकिन मैं आऊंगी। थैंक यू डियर नाइटिंगल। धन्यवाद मेरी प्यारी बुलबुल। द नाइटिंगल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस बट प्रॉमिस्ड टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग एंड इट डिड। बुलबुल ने महल में रहने से इनकार कर दिया किंतु वायदा किया कि वह प्रत्येक रात खिड़की पर आकर गाएगी और उसने वायदा निभाया।